हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पबजी मोबाइल के और एक प्यारे से वीडियो में। तो फिलहाल हम रोजॉक जा रहे हैं और रोजॉक इस बार का हॉट ड्रॉप है। लिटरली चार स्क्वाड यहां पे आएगी और कतई तबाही मचने वाली है और चारों को हम ही खत्म करने वाले हैं। देखो बस आप, फिलहाल हम जैसे ही उतरते हैं तो मेरे एक फ्रेंड का माइक ग्लिच हो चुका है और दूसरे का पिंग भी हाई है। तो यार बहुत ही गलत ही होते हैं और यहाँ पे लिटरली कुछ मैं एक स्क्वाड पे अकेले भारी पड़ता हूँ और गंदा सा उनका सैंडविच बनता है 6900 IQ के साथ। देखो अब भाई, काफ़ी समय से मुझे कमेंट आ रहा है कि क्लासिक का वीडियो डालो, तो ये क्लासिक का वीडियो है और मैं कई काफ़ी समय से क्लासिक का वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि भाई लक मेरा अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं लकी चार्म जो है रेफरेंट उसका हेल्थ का थोड़ा सा इशू था। तो अब वो ठीक है और अब कुछ समय के बाद से आएंगे आपको क्लासिक की वीडियो, तब तक इस वीडियो को एंजॉय करो। अब यार मेरे पास तो गन थी लेकिन यार मेरे फ्रेंड्स के पास गन नहीं थी, तो मैं वेट कर रहा था उनकी लूट कंप्लीट होने का और उसके बाद करेंगे रश। हमें दे BSS वाला जिनकी लंका लगाए अब देखो सारे बंदे मुझे मेरे पास हो चुके हैं, अब बारी था उन पे धीरे धीरे रश कर। तो यार अब यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिसे मैं अभी डैमेज दूंगा और डैमेज अगर मैंने ही दिया तो यार फिनिश भी तो मेरे। देखो बस आप कैसे अगर भाई आप पीछे हो तो यार आपका फर्ज बनता है बाकी टीममेट्स को कवर देने का, और कवर दो तो अच्छे से। जैसे मुझे यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है और मैं नंबर टू को यहाँ पे बाल भाग रहा है भाई। अपनी तारीफ सुन के तो मुझे बहुत फिलहाल यहाँ एक स्क्वाड क्लियर हो चुकी है, अब बारी थी हमें दूसरे स्क्वाड पुश करने की। 0.55 mm में तेरे सब सामने ही थे हमारे, तो बस टाइम तो उन्हें स्पॉट करने की और एक ही हमने लिया था उन्हें जरा कौन से वाले करके। अब मुझे यहाँ पे दो बंदे स्पॉट होते हैं, एक जो जिसपे मैंने भी फायर किया और दूसरा सामने छत पे था, हल्का सा मुझे स्पॉट होता है क्योंकि अभी आपको दिखेगा। भाई की MK के साथ काफी गंदा सीन हो चुका था, तो वो अब भी करेंगे और हम यहाँ पे करेंगे नंबर फोर को कवर। Nobody revive cat. Hey, I'm hurt. Give me a hand. Hey, I'm hurt. Give me a hand. भाई ये सारा का आवाज है मेरे कान में बहुत चुभता है यार, मतलब जब मैं इसे इसका आवाज सुनता हूँ ना तब मुझे बहुत इरिटेशन होता है। Yeah,
अब भाई यहाँ पे दूसरा स्क्वाड भी क्लियर था और अब लूट के नाम पे हमारे पास घंटा था, तो यार अब थोड़ा लूट करते हैं। और यहाँ पे मुझे कार 98 मिल जाता है, तो यार अगर कार 98 मिला है तो एक पट से हेडशॉट तो बनता ही है। अगर भाई ये कार 98 का हेडशॉट आपको पसंद आया तो यार प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, और नहीं आया तो थोड़ा सा वेट करो कि अब होने वाला है 1v3 क्लच। देखो बस आप क्या देख। अब यहाँ मैं एंगल ढूंढने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे एंगल नहीं मिलता, तो मैं प्लान करता हूँ रोटेट करने का और दो बंदों को मैं वहीं पे होल्ड करने के लिए बोलता हूँ और उन्हें बिजी रखने के लिए, लेकिन शायद उन्हें बिजी का मतलब ही नहीं पता था। और यहाँ पे वो नॉक हो जाता है। हो गया उधर अपने प्लैंग कर रहे वहाँ से ले हो गया हो गया काम करो रोटेट कर दिया क्या नंबर ओपी इन द चैट क्या नंबर ओपी वो जा रहे साले होते हैं रात पूरी पूरा फ्लैग आ रहे भाग अखिल भाग तेरी समझ आई उधर ही जा अपने लोग पहले थे अखिल भाग अरे वही घर पे है भाई कहाँ अश्विन क्या करता है तो इसके सामने बंदा खड़ा है फिर भी नहीं मारता है भी नहीं अब भी ऑनलाइन आके शेक के इसके अंदर बंदे घुस रहे हैं अब भाई अश्विन का वॉइस ग्लिच था तो अब कोई चारा नहीं था हमारे पास सिवाय देखने का, लेकिन यार बदला तो हमें जरूर लेना था और हम लेंगे भी जरूर। अब यार वहाँ पे बिल्डिंग बहुत है तो हम फॉल बैक करने का प्लान करते हैं और मैं हाई ग्राउंड लेता हूँ और अपने टीममेट को बोल देता हूँ कि भाई तू रोड के उस साइड से कवर दे मुझे। और अब इनका करने वाले थे हम सैंडविच और यहाँ पर लिटरली बैरल मुझे धोखा दे देता है क्योंकि यार मेरे पास ग्रिप के नाम पे एक भी नहीं था और 300 जायरो सेंसिटिविटी के बावजूद यहाँ मुझे बैरल का रिकॉइल कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हुई और यहाँ मैं बाल बाल बचा था यार बाल बाल बचा था। देखो बस आप कैसे ऊपर ही रहे अब वो रश करेंगे तो नीचे कूद दे ऊपर रहना जैक नहीं मारेगा ऊपर रश करने दे भाई 300 IQ का ये क्लच आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही तगड़े वाले क्लचेस के लिए। अब फिलहाल यहाँ पे बैरल मुझे धोखा देता है लेकिन यार मेरा फ्रेंड मुझे अच्छा कवर देता है रोड के उस साइड पे। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो मेरे फ्रेंड को नहीं पता क्या हो जाता है यार, मैं बोलता हूँ बैठ जा गाड़ी पे सामने स्क्वाड है दो स्क्वाड है लिटरली, तो मैं बोलता हूँ भाई थर्ड पार्टी करते हैं यार, लेकिन वो सुनने को रेडी ही नहीं था। और यहाँ पर पबजी वालों ने भी हमें धोखा दे दिया। मैं अपने फ्रेंड को बोलता रह जाता हूँ कि भाई बैठ जा, लेकिन वो सुनने को रेडी नहीं था। अब जैसे ही मैं यहाँ उतरता हूँ तो एक स्क्वाड हमारे लेफ्ट में आई है और मुझे एक भी उसका फुटस्टेप ना आई कुछ नहीं आया यार।
और ना ही मुझे एक गाड़ी का भी आवाज आया। अब जैसे यहाँ पहले बंदे का लक इतना तगड़ा था कि वो बाल बाल बचा, लेकिन दूसरे वाले का थोड़ा सा खराब था। लेकिन यहाँ मैं किसी तरह एक किल तो ले ही लेता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। भाई ये स्क्वाड कब यहाँ पे आ गए मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मेरा फ्रेंड जो था मुझे कवर के नाम पे घंटा इस बार कुछ नहीं दिया, और शायद ये मेरा आखिरी था इस मैच का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।